नमस्कार दोस्तों, रिलेटिव स्पीड हमारी चल रही थी। रिलेटिव स्पीड, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और हम लेते हैं। दूसरा सवाल ये है आज का, पहला तो ये है कि इसमें दो रेलगाड़ियों की रिलेटिव स्पीड के बारे में इन्होंने बात किया है कि जो ये पहली रेलगाड़ी है इसकी इन्होंने बताया कि 126 मीटर है लेंथ, और दूसरी रेलगाड़ियाँ, दूसरी उसकी लंबाई इन्होंने बोला है 114 मीटर। ठीक है, ये अगर इधर जा रही थी तो दूसरी इधर आ रही। ठीक, और इनकी स्पीड 126 वाले की स्पीड उन्होंने दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका दिया है इन्होंने 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है दोस्तों, तो इनका इनका कहना है कि जब ये पॉइंट मान लीजिए इसका ए और बी और इसका सी इसका डी, तो इनका कहना है कि जब ए और डी आपस में एक सामने होंगे और उस समय से लेकर के एक दूसरे के क्रॉस करने के बीच में टाइम इनका कितना आपका लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन दोस्तों। वैसे सिंपली इसको आप ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि इन सब चीज़ों को जो भी आपको बताऊँ एक प्रॉपर तरीके से, ताकि आप लॉजिक इस्तेमाल करके इन सारे सवालों को हल कर सकें, फिर आपको भूलेगा नहीं कभी दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं फिर। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जब ए डी पे पहुँचेगा तो इसकी दूरी जो है जीरो से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ए जो है सी अगर पहुंचेगा तो इसको कितना दूरी कवर करना पड़ेगा, 126 मीटर। और जब ए यहाँ पे पहुंच जाएगा तो 126 मीटर ये कवर कर चुका होगा, लेकिन बी को सी से गुजरने में 114 मीटर और। तो हमारी जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 126 मीटर प्लस 114 मीटर। ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 6 4 10, 2 1 3, 1 4, 1 1 2, तो ये हो जाएगा 240 मीटर। ठीक है, टोटल लेंथ ये हो गई दोस्तों। अब स्पीड, क्योंकि दोनों, जब एक थंब रूल याद कर लीजिए, अगर विपरीत दिशा में आ रहे हैं दो चीज़ें, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो प्लस हो जाएगी, और अगर सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो इससे क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 30 प्लस 42, ये हो जाएगा 4 3 7, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन 72 को हमको उसमें कन्वर्ट करना है, तो ये 5/18, जैसा कि मैं कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब डायरेक्ट हम 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 18 से ये कटेगा, आएगा 4। ठीक है, 520 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड से चल रहे हैं दोनों। ठीक है दोस्तों, तो अब टोटल लेंथ कवर करने में टाइम जो लगेगा वो 240/20, यानी दूरी बटे 4। ठीक है, ये कितना होगा, 12 सेकेंड। एक और सवाल लेना है दोस्तों इसी रिलेटिव स्पीड के बारे में, आज का दूसरा सवाल जो होगा, इसमें जो है दिया है इन्होंने कि दो ट्रेन है, एक 100 मीटर की, ठीक है, ये इधर जा रही है, इसकी स्पीड इन्होंने दिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और एक दूसरी ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है, उसकी स्पीड है, उसकी लेंथ है 120 मीटर और स्पीड है
54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है सेम चीज कि मिलने के बाद दोनों को एक दूसरे के क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो आइए देखते हैं कैसे ये हल होगा। इसका सिंपल सा वही तरीका है जो पहले, तो हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही है तो घट जाएगा, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाना है। कितना होगा, 8, 18, ठीक है, 72 में से 54 में 18 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे उसमें मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और अब जो दूरी क्या होगी, ये हो जाएगी 100 मीटर प्लस 120, ये हो जाएगा 220 मीटर। ठीक है, अब इस दूरी को तय करने में 5 मीटर प्रति सेकंड की टाइम स्पीड से कितना टाइम लगेगा वो आपको निकाल लेना है। तो टाइम बराबर हो जाएगा 220/5, ये हो जाएगा, इसको अगर आप हल करेंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 तो 44 सेकेंड इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, एक दोस्तों आज पहली बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब, द चैनल टू गेट मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।